नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। गत दिनों जिला पंचायत मंडला के उपाध्यक्ष श्री शैलेश मिश्रा ने पंचायती राज न्यूज मंडला के ब्यूरो चीफ संत कुमार ठाकुर को एक मुलाकात में बताया कि आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में कार्य करने की अभी भी बहुत जरूरत है। यहाँ पर विगत 15 वर्षों में भाजपा की केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गाँव के अंतिम छोर में निवासरत गरीब वाशिंदों एवं जरूरतमंदों के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छे प्रयास किए गए हैं। यहाँ पर 9 विकास खंडों में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। शाला भवनों, पुल पुलिया निर्माण, सुदूर पहुंच मार्ग, जलाशय, मेड़ बंधान, प्रधानमंत्री आवासों से लेकर ऐसे अनगिनत विकास कार्य किए गए हैं जिससे सभी वर्ग के लोग लाभान्वित होते दिखाई दे रहे हैं। मेरे द्वारा जगह जगह नए विकास कार्यों को मूर्त रूप देने का भरसक प्रयास किए गए हैं। स्थानीय जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें आयोजित कर जिले के सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप देने के लिए कार्य योजना बनाकर केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार को भेजे जा रहे हैं और पूर्व में भी भेजे जा चुके हैं। आज मनरेगा योजना के अंतर्गत जिले में बहुतायत संख्या में निर्माण कार्य चल रहे हैं जिससे स्थानीय स्तर ग्राम पंचायतों में गरीब एवं जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इन जिले से बाहर पलायन नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पंचायती राज न्यूज चैनल को बधाई देता हूँ, विशेषकर संतराम जी आपको बधाई देता हूँ कि आप एक समाज सेवी के साथ साथ न्यूज चैनल से जुड़े हैं। मुझसे अच्छा तो आप भी जानते हैं। पंचायती राज के विषय में अगर मैं बोलना चाहूँगा तो मंडला ज़िले में 9 जनपद पंचायत है, 486 ग्राम पंचायत और लगभग 1325 गाँव। ये मंडला ज़िला ये वही जनजाति बाहुल्य ज़िला है जहाँ कभी रोड नहीं हुआ करती थी, जहाँ कभी बिजली नहीं हुआ करती थी, जहाँ कभी पानी नहीं हुआ करता था। परंतु आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इस पूरे मंडला ज़िले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जो विकास की गंगा बही है उसमें मंडला कहीं अछूता नहीं है। मंडला में आज एरीगेशन का एरिया, कृषि के क्षेत्र में आप चले जाएँ, लगातार हम लोगों ने एरीगेशन को बढ़ाया है और उसका परिणाम ये है कि आज हमारे गोडाउनों में रखने के लिए अनाज नहीं है, इतना उत्पादन बढ़ा है। इसी प्रकार आप रोडों की बात कर लें, आज मवई जैसा सुदूर जनपद हमारा जो है छत्तीसगढ़ की बाउंड्री से लगा है, मकड़ी की जाल की तरह रोड बिछाने का काम हमने किया है। आप पुल पुलियों की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, आज 24 घंटे हम बिजली देने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से मंडला ज़िले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद से निरंतर काम कर रही है। विगत 1.5 वर्ष कमलनाथ जी की सरकार थी,